हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवांश और आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ कैमरा कंपैरिजन, वो भी Asus Zenfone Max Pro M1 3GB RAM वेरिएंट की विथ Redmi Note 5 Pro। तो इन दोनों कैमरा के यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, बोथ रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों की। डे लाइट सैम्पल, स्लो लाइट सैम्पल सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समझ पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ओवरऑल बेटर कैमरा आपको दे देता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए पूरे अंत तक और आप जान पाएगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा एक बेटर स्मार्टफोन है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो चलिए देखते हैं। तो ये दोनों जो फोटो ये डेलाइट कंडीशन में लिया गया है, एक ही सिचुएशन में एक ही टाइम पे लिया गया है, बुके मोड के अंदर दोनों ही फोन में लिया गया है। तो Zenfone Max Pro में जो फोटो आई है वो वहाँ पे कलर सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, यहाँ तक कि जो एक्सपोजर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, बट जो शार्पनेस और क्लैरिटी है और यहाँ पे मैं कहूँ एकदम ओवरऑल नेचुरल पिक जो आई है वो आई है Redmi Note 5 Pro में। लेकिन यहाँ पे पर्सनल चॉइस जाता है क्योंकि किसी को विविड कलर या फिर पंचियर कलर ज़्यादा पसंद है, सैचुरेशन वाला कलर उनको ज़्यादा पसंद है। तो Max Pro के कैमरा में सैचुरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में ही सैचुरेशन ज़्यादा है Zenfone Max Pro के, इसलिए यहाँ पे जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जो बुके मोड है तो आप देख सकते हैं एज डिटेक्शन दोनों ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो ब्लर है पीछे वो भी आर्टिफिशियल नहीं लगता है, लगता है एकदम सही से ब्लर किया गया है। तो ब्लरिंग मोड, बुके मोड दोनों का ऑलमोस्ट रियर कैमरा में एकदम सेम जैसा लग रहा है। और पर्सनली ये जो पिक की मैं बात करूँ तो ये मुझे Max Pro का ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं बता दूँ कि अगर आप दोनों फोटो को जूम कीजिएगा 100% तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो क्लियर और शार्पर जो फोटो है वो आई है Redmi Note 5 Pro से। चलिए हम नेक्स्ट पिक की बात करूँ तो ये जो पिक है डेलाइट कंडीशन में लिया गया है और इस पिक में यहाँ पे कोई भी पोर्ट्रेट या फिर बुके मोड में नहीं है, ये नॉर्मल फोटो है। और इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए इसमें भी पीछे जो मैक्रो शॉट है और पीछे आपको ब्लर किस तरह से देखने को मिलता है, तो ब्लरिंग ऑलमोस्ट दोनों मोबाइल में एक जैसे ही देखने को मिलती है। यहाँ पे फर्क यहाँ पे ये है कि जो Asus का फोन है उसमें सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है और एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर देता है, जबकि जो Redmi Note 5 Pro एकदम ओवरऑल बैलेंस्ड फोन, मतलब एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता है और जूम करने पे भी यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो Redmi Note 5 Pro की ज़्यादा बेटर होती है। तो इस पिक्चर में अगर मुझे कोई भी पर्सनली अच्छा लगा है तो वो Redmi Note 5 Pro का अच्छा लगा है क्योंकि ओवरऑल बैलेंस फोटो आई है, जबकि यहाँ पे Zenfone Max Pro में यहाँ पे ओवर एक्सपोज कर दिया गया है। ये जो फोटो ये लैंडस्केप फोटो है और ये जो फोटो है दोनों डेलाइट कंडीशन में ही है और यहाँ ऑटो मोड में ये दोनों फोटो ली गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्काई है, स्काई यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में ब्लू ही आपको देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे Zenfone Max Pro में पूरा ब्लोन अवे कर दिया गया है, मतलब कि पूरा व्हाइट लग रहा है यहाँ पे। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर हमेशा की तरह यहाँ इसमें ज़्यादा होता है। कलर सैचुरेशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन लग रहा है यहाँ पे, मतलब कलर सैचुरेशन भी काफ़ी है, जबकि Redmi Note 5 Pro एकदम नेचुरल पिक क्लिक करता है विथ डिटेल। यहाँ पे आप जूम करेंगे दोनों में तो आपको डिटेलिंग यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इमेज देखते हैं तो यहाँ पे आपको अगर मे बी कलर सैचुरेशन ज़्यादा पसंद है तो Redmi Note 5 Pro से ज़्यादा Max Pro में यहाँ पे आपको फोटो देखने को सही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्लैरिटी की मैं बात करूँ और यहाँ पे डायनेमिक रेंज, यहाँ पे स्काई का जो कलर है वो सब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो Redmi Note 5 Pro एक बेटर फोटो ले पाता है। चलिए इस सेम फोटो में, सेम पोजीशन और सेम सिचुएशन में मैं HDR मोड में भी दोनों क्लिक किया हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो फोटो ये दोनों ही की HDR मोड ऑन करके ली गई है, तो यहाँ पे HDR मोड ऑन करने से Redmi Note 5 Pro में जो स्काई कलर है और थोड़ा सा ब्लूइश दिखने को मिलता है, लेकिन Zenfone Max Pro में यहाँ पे स्काई का कलर अगेन यहाँ पे व्हाइट है, मतलब कोई यहाँ पे हाईलाइट्स नहीं है उसमें, जबकि जो फॉरग्राउंड है या फिर जो फॉरग्राउंड का है उसको और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया गया है, मतलब जितना भी है उसको और ब्राइटनेस बढ़ा दिया गया और कलर सैचुरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, जबकि Redmi Note 5 Pro एकदम नेचुरल पिक लेता है। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली Redmi Note 5 Pro पसंद आता है क्योंकि उसमें जो क्लैरिटी है वो भी काफ़ी सही है। Zenfone Max Pro की आदत है कि कलर सैचुरेशन और ब्राइटनेस दोनों ही को ही इंक्रीज कर देता है। चलिए बात करते हैं सेल्फी फोटोज़ की, तो ये दोनों है सेल्फी फोटोज़ डेलाइट में लिया गया है टुवार्ड्स लाइट, यहाँ पे लाइट आ रहा था डायरेक्ट फेस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से फोटो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो क्लियर विनर Redmi Note 5 Pro है बिकॉज यहाँ पे बेटर ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कलर सैचुरेशन सब कुछ यहाँ बेटर मुझे मिल रहा है। आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कितना सही फोटो आया है Redmi Note 5 Pro में, जबकि यहाँ पे Zenfone Max Pro की मुझे फोटो थोड़ी सी डल लगी और Redmi Note 5 Pro तो यहाँ पे क्लियर विनर है इन सेल्फी। अगेन ये सेल्फी फोटो और यहाँ पे मैं अगेंस्ट द लाइट खड़ा हूँ, मतलब ऊपर से लाइट आ रही है और मैं नीचे से यहाँ पे फोटो लिया हूँ, तो यहाँ पे Zenfone Max Pro देख सकते हैं कि एक्सपोजर बैलेंस उतना सही से नहीं कर पाया है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फेस है वो यहाँ पे डार्क रह गया, जबकि यहाँ पे Redmi Note 5 Pro पूरा अच्छा से एक्सपोजर बैलेंस किया है
पीछे का मे भी यहाँ पे आपको कोई भी हाईलाइट देखने को नहीं मिले, लेकिन आपको फेस का यहाँ पे कलर, फेस का मतलब यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा बैलेंस करता है रेडमी नोट 5 प्रो, जबकि यहाँ जेनफोन मैक्स प्रो में मतलब यहाँ पे स्काई और बैकग्राउंड को ज़्यादा मतलब लिया गया है फोकस में, और फ्रंट का जो मेरा फेस ही है उसी को डार्क कर दिया गया। सेम फोटो मैं अब HDR ऑन करके लेता हूँ, फ्रंट में भी दोनों के HDR हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह वो वर्क करते हैं। जो फोटो यहाँ पे सेम पोजीशन में HDR ऑन करके ली गई है अगेंस्ट द लाइट, और यहाँ पे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ है Zenfone Max Pro से, क्योंकि पिछले वाली जो इमेज थी वो काफ़ी डार्क थी और पीछे में हाईलाइट्स भी उतने सही नहीं थे, जबकि HDR ऑन करने के बाद यहाँ पे पीछे में स्काई में भी ब्लूइश टिंट आपको देखने को मिलता है और थोड़ा सा यहाँ पे ग्लोइश आपके फेस में भी ग्लो आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस हो जाता है उसमें भी। लेकिन यहाँ Redmi Note 5 Pro में कोई भी HDR में हमको नहीं लगता कि कुछ खास का अंतर है, HDR ऑन करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आया, सेम फोटो आई है। तो यहाँ पे फ्रंट HDR यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है Zenfone Max Pro के अंदर, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में HDR का उतना कमाल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि यहाँ पे सेल्फी में Redmi Note 5 Pro का फोटो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसी दोनों फोटो को जूम करते हैं तो आपको नॉइस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा Zenfone Max Pro के अंदर, जबकि Redmi Note 5 Pro की इमेज काफ़ी सही आई है। तो चलिए बात करते हैं फ्रंट बुके मोड में, तो दोनों में आपको फ्रंट बुके मोड देखने को मिल जाता है, और ये जो फोटो है दोनों के फ्रंट बुके मोड में ली गई है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टुवार्ड्स लाइट खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि डेलाइट कंडीशन में किस तरह से आपको फोटो मिलती है। एज डिटेक्शन की मैं बात करूँ तो दोनों ही एक जैसे ही एज डिटेक्ट करते हैं, मतलब दोनों का एल्गोरिदम एकदम मुझे सेम लग रहा है, कहीं कहीं दोनों चूकते हैं, जैसे मेरे आप गाल के पास देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे चूक हुई है दोनों से ही, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड काफ़ी पेचीदा था फिर भी यहाँ पे काफ़ी सही एज डिटेक्शन यहाँ पे हुआ है दोनों ही फ़ोन से। तो मैं यहाँ पे एज डिटेक्शन से दोनों से ही इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फी में तो Redmi Note 5 Pro अच्छे से किल कर देता है Zenfone Max Pro को। ये जो फोटो है यहाँ पे रियर कैमरा से डेलाइट कंडीशन मिली गई है विथ पोर्ट्रेट मोड में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह का यहाँ फोटो देखने को मिलता है। मैं हमेशा की तरफ बताऊँ Zenfone Max Pro का जो फोटो है वो थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है और कलर सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, बट पर्सनली मुझे यहाँ पे Redmi Note 5 Pro का फोटो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो एकदम नेचुरल है, क्लैरिटी ज़्यादा है उसमें, जूम करने पर वो ज़्यादा पिक्सलाइज नहीं होता है, जबकि यहाँ मैक्स प्रो में आपको इजीली यहाँ पे पिक्सलाइजेशन या फिर नॉइज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ओवरऑल काफी सही एज डिटेक्शन में भी यहाँ पे काफी सही है, आप बैकग्राउंड ब्लर भी देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ज्यादा सही, यहाँ पे कोई भी मतलब दोनों का बैकग्राउंड ब्लर एकदम एक जैसा है, ज्यादा का यहाँ अंतर नहीं, आर्टिफिशियल नहीं लगता है, कोई कोई में कुछ ज्यादा ही ब्लर हो जाते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं, यहाँ पे ब्लरिंग काफी सही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अगेन यहाँ पे Redmi Note 5 Pro एक बेटर इमेज दे देता है आपको। चलिए हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल लाइट पे, तो ये जो फ्रंट कैमरा से लिया गया है आर्टिफिशियल लाइट में सेल्फी, तो यहाँ पे तो नो डाउट यहाँ पे Redmi Note 5 Pro काफ़ी अच्छा कर जाता है, और यहाँ पे आपको Max Pro M1 में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल लाइट तो नहीं कहूँगा, बस मेरे रूम में एक विंडो ओपन थी उसी के द्वारा जो लाइट आ रही थी उसी से ये फोटो ली गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी का फ़र्क कितना है, Redmi Note 5 Pro में स्टिल एक बेटर फोटो आपको मिल जाता है, जबकि Zenfone Max Pro में इस लाइटिंग कंडीशन में आपको बहुत सारा नॉइज मेरे फेस पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो स्टिल यहाँ पे Redmi Note 5 Pro इन फ्रंट कैमरा बेटर निकल जाता है Zenfone Max Pro से। ये जो फोटो ली गई एकदम एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में लिया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि Redmi Note 5 Pro में आपको हल्का हल्का कुछ फोटो दिखने को मिल रहा है, जबकि Zenfone Max Pro में तो एकदम ब्लैकिश मतलब थोड़ा सा भी कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। सेम कंडीशन में मैं सेम सिचुएशन में HDR ऑन करके भी लिया हूँ, तो आप HDR ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा दोनों में दिखने को मिला, Zenfone Max Pro में थोड़ा सा यहाँ पे बेटर फोटो आया और Redmi Note 5 Pro में थोड़ा सा बेटर है, स्टिल यहाँ पे दोनों में कंपेयर करूँ तो Redmi Note 5 Pro ज़्यादा अच्छा फोटो दे देता है इन लो लाइट। अब चलिए चेक करते हैं, मैं यहाँ पे एक्सट्रीम लो लाइट में इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको दिखा सकूँ कि दोनों का जो फ्रंट में LED लाइट है वो किस तरह से वर्क करती है और दोनों में डिफरेंस क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट इमेज आप देखेंगे तब। तो ये जो इमेज है ये इस इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों की फ्रंट कैमरा की LED फ्लैश ऑन है और उसके बाद की ये फोटो ली गई है, और आप देख सकते हैं कि जो Zenfone Max Pro M1 है उसमें जो लाइटनिंग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, बट यहाँ पे नॉइज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro, और ओवरऑल मैं चूज कर लूँगा तो यहाँ भी Redmi Note 5 Pro का फोटो जो है वो काफ़ी सही है इन सेल्फी कैमरा, नॉइस बहुत कम है, फ्रंट LED लाइट की मतलब ज़्यादा लाइट है नहीं, लाइटनिंग ज़्यादा नहीं है फोटो में, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी आई है। और यहाँ पे फ्लैश में दोनों में कुछ अंतर है वो मैं बता दूँ, जो Zenfone Max Pro M1 का जो फ्लैश है वो थोड़ा कूल लाइट का है, मतलब ज़्यादा मतलब वार्म नहीं है, जबकि Redmi Note 5 Pro सॉफ्ट लाइट है, यानी कि थोड़ा सा वार्म लाइट है,
और दोनों में अंतर ये भी है कि Redmi Note 5 Pro का जो फ्लैश वो फ्लैश नहीं है, आगे का टॉर्च आप उसे बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब फ्लैश की तरह वर्क नहीं करता, वो टॉर्च की तरह हमेशा जलते रहता है और फिर फोटो लिया जाता है। जबकि जो Zenfone M1 का जो फ्लैश वो फ्लैश की तरह वर्क करता है, जबकि आप फोटो लेते हैं तभी वो फ्लैश करता है और तब फोटो आता है। तो ये दोनों स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन जो लाइट का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है Redmi Note 5 Pro के फ्लैश में कंपेयर टू Zenfone Max Pro, और आप फोटो देख ही सकते हैं कि आपको किस तरह का नॉइज़ देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे सेल्फी कैमरा लो लाइट में और डे लाइट में तो सब में सबसे अच्छा Redmi Note 5 Pro का है। ये अगेन एक आर्टिफिशियल लाइट में बुके मोड में यहाँ पे दिखाया हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आर्टिफिशियल लाइट में एज डिटेक्शन किस तरह से होता है और किस तरह से क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो यहाँ पे Zenfone Max Pro में आप देख सकते हैं कि बुके मोड जैसे ही मैं गया यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट में तो बहुत ज़्यादा नॉइज आ गया और एज डिटेक्शन ठीक ठाक हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी नहीं है ये फोटो में, जबकि Redmi Note 5 Pro की क्वालिटी नहीं डिग्रेड हुई और इन आर्टिफिशियल लाइट भी काफ़ी अच्छा फोटो ले लिया विथ बुके मोड। ये जो फोटो ये रियर कैमरा के बुके मोड में ली गई है और ये जो आर्टिफिशियल लाइट में ही लिया गया है। यहाँ पे मैं अगेन बता दूँ कि यहाँ 1.5x जूम पे है RN5 Pro Redmi Note 5 Pro, जबकि Zenfone Max Pro जो है वो नॉर्मली फोटो लेता है बुके मोड में। और यहाँ आप क्लैरिटी देख सकते हैं, तो क्लैरिटी यहाँ पे नो डाउट Redmi Note 5 Pro में ज़्यादा है, बट मैं एज ऑलवेज बोल रहा हूँ कि सैचुरेशन और एक्सपोजर जो है वो Zenfone Max Pro में ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल जो फोटो वो Redmi Note 5 Pro की बेटर आती है। ये जो फोटो है विदाउट बुके मोड में लिया गया, डायरेक्ट लिया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फोटो देखने को मिलती है, और यहाँ पे नो डाउट Redmi Note 5 Pro काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक करके दे देता है कंपेयर टू Zenfone Max Pro M1। तो सारे सैंपल्स देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और मेरी पूछेंगे मेरी कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro नो डाउट यहाँ पे बेटर कैमरा आपको प्रोवाइड करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रियर और फ्रंट। फ्रंट में तो कोई जवाब ही नहीं है, फ्रंट में यहाँ पे कोई भी टक्कर नहीं है इस दोनों का, फ्रंट में बहुत ही अच्छा है Redmi Note 5 Pro। रियर में यहाँ पे कभी कभी किसी सिचुएशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा कट जाता है Zenfone Max Pro, लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पे तो सब कुछ में सबसे बढ़िया यहाँ पे Redmi Note 5 Pro इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो अगर आपका कैमरा है प्रायोरिटी तो आप लीजिए Redmi Note 5 Pro। इसके साथ साथ मैं कुछ और कंक्लूजन भी दे दूँ। मैं वीडियो सैंपल्स की मैं बात करूँ तो वीडियो सैंपल्स में आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि वीडियो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आता है Redmi Note 5 Pro से। इवन यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, आपको OIS तो दोनों में से किसी में भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे EIS का सपोर्ट Redmi Note 5 Pro में है। फ्रंट कैमरा में EIS भले ही उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है, लेकिन रियर कैमरा में स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा से कर देता है। इवन यहाँ पे स्लो मोशन टाइम लैप्स का भी यहाँ पे फीचर्स दिया गया है Redmi Note 5 Pro में, जबकि ये जो जितने भी फीचर्स हैं स्लो मोशन और टाइम लैप्स आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ मैं बात करूँ आपका जो Redmi Note 5 Pro है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, जबकि यहाँ पे Zenfone Max Pro 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है विथ इनबिल्ट कैमरा ऐप, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कैमरा जस्ट लाइक ओपन कैमरा ऐप से आप कर सकते हैं 4K रिकॉर्डिंग, और अगर आप चाहें टाइम लैप्स या फिर स्लो मोशन तो अभी आप सेकंड या फिर थर्ड पार्टी ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके Zenfone Max Pro में भी कर सकते हैं। और अगर आप Zenfone Max Pro लेने की सोच रहे हैं तो एक ट्रिक यहाँ पे आपके लिए वर्क करेगी, वो है कि अगर आप कभी भी फोटो लें तो HDR मोड में लें, क्योंकि इसका जो HDR मोड है Zenfone Max Pro M1 का वो काफ़ी बेहतर है, और HDR मोड ऑन करने के बाद इसका जो फोटो काफ़ी सही आता है कंपेयर टू जो नॉर्मल ऑटो मोड में आप लेते हैं। तो HDR फोटो यहाँ पे काफ़ी सही है, HDR सही से वर्क करता है। Redmi Note 5 Pro में HDR जो फ्रंट का है उसमें तो मुझे कोई अंतर नहीं बताता है, बहुत कम का अंतर है ना के बराबर। रियर कैमरा में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे HDR मोड Zenfone Max Pro का है वो काफ़ी सही से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज किया गया है, और इसलिए HDR मोड यहाँ पे Redmi Note 5 Pro से ज़्यादा अच्छा Zenfone Max Pro में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक टिप और ट्रिक थी अगर आप Redmi Note 5 Pro के अलावा Zenfone Max Pro लेने की सोच रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ पाए होंगे कि इन दोनों में से कौन सा एक बेटर कैमरा है। यहाँ पे प्राइसिंग की भी अंतर है, ये आपको 3GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो आता है 11,000 में, जबकि ये है आपको 15,000 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 4,000 का प्राइस डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 11,000 तो नो डाउट 11,000 के बजट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। इवन जो रियर कैमरा काफ़ी हद तक टक्कर दे देता है, लेकिन फ्रंट कैमरा तो नो डाउट यहाँ पे Redmi Note 5 Pro की काफ़ी बेटर हो जाती है। तो बजट को कंसिडर करते हुए दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं विथ कैमरा को देखा जाए तो अगर आपका बजट 11,000 के आसपास है तो आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो 3GB रैम वाला वेरिएंट का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, 3GB और 4GB रैम का जो वेरिएंट है Asus Zenfone Max Pro M1 का, उसका कैमरा एकदम इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे आप 3GB या 4GB दोनों में से कोई भी लेने वाले हैं तो कैमरा सेम ही मिलेगा, आपको इस वीडियो से पता लग गया। लेकिन जो 6GB रैम वेरिएंट आने वाला है उसका कैमरा चेंज होगा, और वो भी मैं लेने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी जब मुझे वो फोन मिलेगा, तो मैं उसका जरूर से रिव्यू करूँगा, कंपैरिजन भी जरूर करूँगा। ये जो कंपैरिजन था ये 3GB रैम वाला और 4GB रैम वाले के कैमरा का है,
तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि प्राइस में और किस तरह का कैमरा आपको देखने को मिलता है दोनों में। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर उससे कुछ लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना सवाल या सुझाव मुझसे जरूर से पूछ भी सकते हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं ताकि आप मेरे वीडियो देख पाएं ऐसे ही। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।